हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विशाल एंड वेलकम टू मिस्टर धारू नया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो में अक्सर 12 वोल्ट का सप्लाई का यूज़ करता हूँ और मुझे कमेंट्स आते हैं कि यार हम जो आप यूज़ करते हो बैटरीज, ट्रांसफार्मर, एडाप्टर, हम उनको खरीद नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेट है उनकी। मैं जो बैटरी यूज़ करता हूँ उसमें 700 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की जो बैटरी होती है उनका यूज़ करता हूँ। ट्रांसफार्मर जो है मेरे पास लगभग 250-300 रुपये का ट्रांसफार्मर है और एडाप्टर है जो वो भी लगभग 300 या 400 रुपये के आसपास का है। तो सारे कमेंट्स आती है कि यार हम इतना महंगी खरीद चीज़ें नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में एक सर्किट बना के दिखाने वाला हूँ जिसका आप यूज़ करके 12 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, जैसे कि 12 वोल्ट की मोटर ले लीजिए या फिर कोई एलईडी बल्ब लगाना है या फिर आपके हिसाब से कहीं पे भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि इसे क्या करना है आपको, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई यूटी सोर्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते हो तो फ्रेंड्स आपके लिए ही ये वेबसाइट बनी हुई है। आपको यहाँ पर सेंसर से लेकर सारी आईसी, सारे ट्रांजिस्टर, सारे प्रकार के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वो सारे मिल जाते हैं ईजीली। यहाँ पर आपको रेसबेरी पाई, आर्डुइनो या फिर कोई भी जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ये रोबोट से रिलेटेड सारे पार्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो आपको अगर ये खरीदने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हो और इन सब चीज़ों को खरीद सकते हो। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले यहाँ पर 4 डायोड लेंगे और इनों का नंबर है 1N4007। तो फ्रेंड्स, 2 डायोड लेना है आपको और दोनों डायोड की जहाँ पर सिल्वर कलर की पट्टी है उस वाली पट्टी को आपस में जहाँ पर लेगे उनको आपस में इस टाइप से ऐंठना है। तो देख सकते हो दोनों सिल्वर कलर की पट्टी वाला मैंने डायोड को लगा दिया है। इसके बाद 2 डायोड और लेने हैं आपको जिन्होंने ब्लैक कलर की जो पट्टी दिख रही है आपको उनको आपस में इस टाइप से मोड़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस टाइप से मैंने मोड़ दिया है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 2 पेयर हो चुके हैं, 2-2 डायोड के। तो इनों को आपस में इस टाइप से जोड़ देंगे हम या फिर इस टाइप से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स एक तरफ हमारा प्लस हो जाएगा, एक तरफ माइनस हो जाएगा जहाँ पर डीसी हमें मिलेगा और जहाँ पर वो प्लस माइनस जो जुड़ रहा है फ्रेंड्स वो एसी करंट हमें देना है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आया कि इस टाइप से मैंने बनाया है तो आप मेरी एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है उसको जाकर जरूर देखिए जिसमें मैंने अलग से एक ब्रिज रेक्टिफायर बना के दिखाया है आपको कि इस टाइप से वो वर्क करता है और पूरा समझाया है। अगर मैं इसमें समझाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फ्रेंड्स और मुझे इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा समझाना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूँ जिसका नंबर है 105J400 वोल्ट का है फ्रेंड्स, 10 रुपये में आपको मिल जाएगा ये। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 1 मेगा ओम का रजिस्टर ले रहा हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हो ये। तो इन दोनों को लेना है, कैपेसिटर और रजिस्टर को, और कैपेसिटर के दोनों जो लेंगे फ्रेंड्स उसके बीच में आपको ये रजिस्टर इस टाइप से लगाना है। और फ्रेंड, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज है तभी आप इसे घर पर बनाना, वरना मत बनाना क्योंकि आपको करेंट का झटका भी लग सकता है। इसके बाद फ्रेंड, जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था उसको हमें कैपेसिटर के एक लेग पर लगाना है जहाँ पर हमें एसी करंट देना है उस वाले पॉइंट पर। इसके बाद यहाँ पर मैं एक दूसरा कैपेसिटर ले रहा हूँ 25V 470 UF का। तो इसको जैसे आप देख लीजिए, पहले जहाँ पर वाइट कलर की जो पट्टी दिख रही है आपको इसके अंदर, ये हमारी माइनस वाली पट्टी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा माइनस वाला लेग है तो आगे इसका ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसके बाद फ्रेंड्स हमें जो ब्रिज रेक्टिफायर में जहाँ पर डीसी और जहाँ पर डीसी करंट आ रहा है जहाँ पर प्लस और माइनस, उसमें इसे लगाना है प्लस माइनस देख के, उल्टा नहीं लगाना। उल्टा लगा हुआ तो हमारा ब्लास्ट भी हो सकता है कैपेसिटर। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक जनरल डायोड लेना है 12 वोल्ट का। फ्रेंड्स अगर आप 12 वोल्ट का लगाते हो तो इसमें 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगी, 9 वोल्ट का लगाओ तो 9 वोल्ट आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने इसको जोड़ दिया और यहाँ पर देख सकते हो एक ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही होगी, जहाँ पर ब्लैक कलर की पट्टी फ्रेंड्स वो आपको प्लस वाली साइड में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले दिखा दिया था प्लस कौन सा माइनस कौन सा इस कैपेसिटर में। तो इस टाइप से यहाँ पर इसको लगाना है और इसमें यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे हम। और फ्रेंड्स आप टेंशन मत लीजिए, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको डायग्राम भी दे दूंगा इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हम यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है वायर कनेक्ट कर लेंगे। एक पॉइंट पर हमें वायर, तो हमें यहाँ पर कैपेसिटर की जो हमारे लेग है उसमें लगाना है और दूसरा वाला जो लेग है फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाया था उसकी एसी करंट पे हमें यहाँ पर डायरेक्ट देना है इसको इस टाइप से। तो इसमें हम यहाँ पर कनेक्शन कर लिया हमने। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिकेटर के लिए मैं एक लाइट लगाऊंगा, एलईडी लाइट, जो हमें बताएगी कि इसमें सप्लाई ऑन हो चुकी है। और इसके एलईडी में हम 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे जो हमें 12 वोल्ट की सप्लाई पर डायरेक्ट हमारे एलईडी को चालू कर देगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने प्लस वाले पॉइंट पे एक रजिस्टर लगा दिया एलईडी के। तो इसमें हम बाद में लगाएंगे, लेकिन इसमें हम सबसे पहले आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर कनेक्शन ले लेंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर में जहाँ पर माइनस वाला पॉइंट है फ्रेंड्स वहाँ पर हमें ब्लैक कलर का वायर लगाएंगे, जहाँ पर प्लस वाला पॉइंट है
वहाँ पर हमें रेड कलर का पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डायग्राम दे दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर प्लस में प्लस और माइनस में माइनस लगा लेंगे। और फ्रेंड्स आप ब्रिज रेक्टिफायर वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, कहाँ पर एसी करंट होता है, कहाँ पर डीसी करंट होता है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए वो वाला वीडियो। इसके बाद फ्रेंड इसका मैं बॉक्स बनाऊंगा, तो बॉक्स की जो आपको साइज है स्क्रीन पे दिख रही है, एमडीएफ बोर्ड का यूज़ करूंगा मैं। अगर आपके पास एमडीएफ बोर्ड नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर भी इसको फिट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको इस टाइप का बॉक्स बनाना है। आपके पास कोई डिब्बी हो या फिर कोई छोटा कोई भी चीज़ हो उसके अंदर इसको लगा कर रख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके वायर आपस में टच ना हो। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पर मैं बॉक्स बनाया एक, और बॉक्स बनाने के बाद मैं रिवर्सिबल टेप से इसको अंदर इस टाइप से चिपका दूंगा ताकि ये बार बार आगे पीछे हिले नहीं और आपस में वायर टकराए नहीं। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वायर टच हो सकते हैं, तो मैंने एक टेप भी लगा दिया है ताकि वायर टच ना हो। और इस बॉक्स को हम यहाँ पर पैक कर देंगे फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हो मैंने पीछे वाला हिस्सा भी लगा दिया इसमें, और इसे मैं फेविक से चिपका रहा हूँ। आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेविकोल में आपको टाइम देना होगा इसे सूखने के लिए, तो मैं इंस्टेंट ग्लू का यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, जो फटाफट से सूख जाता है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर इंडिकेटर के लिए मैं लाइट जो मैंने लगाई थी इसमें मैंने चेंजेस किए थोड़े, इसके लेग कट कर दिए और इसमें थोड़ा ब्लैक कलर का वायर लगा दिया है। तो जो हमारा बॉक्स है उसके ऊपर वाला जो पार्ट है फ्रेंड एमडीएफ बोर्ड का, उसमें एक होल कर लिया है मैंने एलईडी के लिए, और यहाँ पर इस एलईडी को मैं इस टाइप से चिपका देता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, अब हमें एलईडी के जो प्लस और प्लस में और माइनस माइनस में कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर आउटपुट निकल रहा है फ्रेंड्स 12 वोल्ट का, उस जगह पर आपको कनेक्शन करना है, यहाँ पर जहाँ पर 12 वोल्ट की जो हमने सप्लाई आउटपुट ली है वहाँ पर इनका कनेक्शन करना है। तो जैसे देख सकते हो ये हमारा हो चुका है, और इसमें हम यहाँ पर इस टाइप से इसको पैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो चुका है, अब यहाँ पर इसमें ग्लू लगा कर इसको बिल्कुल पैक कर देंगे हम, जो हमारा सुपर ग्लू होता है। और अब मैं आपको इसके टेस्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी हम थोड़ी फिनिशिंग कर लेंगे ताकि हमारा अच्छा दिखे ये। तो यहाँ पर सैंड पेपर से फ्रेंड इसके किनारे को घिस दूंगा मैं, और एलईडी भी हमारी ऊपरी हुई लग रही है यहाँ पर, तो फ्रेंड ये क्या होगा फोकस देगी ऊपर साइड में, लेकिन हमें फोकस नहीं चाहिए, बस हमें ये ब्राइट करनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसको भी ऊपर से घिस दूंगा ताकि ये एकदम फ्लैट हो जाए और ऐसा लगे जैसे हमने मार्केट से इसको ख़रीदा हो। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड इसके किनारों को मैंने सारों को घिस दिया है, और एलईडी को भी मैंने घिस दिया है यहाँ पर ऊपर से। तो मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसमें कनेक्शन में देता हूँ 220 वोल्ट दे रहा हूँ डायरेक्ट मैं इसमें। तो जैसे देख सकते हो हमारी एलईडी भी ऑन हो चुकी है यहाँ पर, और हमारी लाइट भी ऑन हो चुकी है। तो अब जैसे देख सकते हो मैं इसको चला के दिखाता हूँ, इसके वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कितना वोल्टेज दे रही है या फिर कितना वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर से। तो ये मैं इसमें लगा देता हूँ मल्टीमीटर से, आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, इसमें करंट तो नहीं आ रहा है। तो देख सकते हो फ्रेंड करंट नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट इसको पकड़ रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीमीटर पे आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पर मैं इसमें चेक करता हूँ। तो जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लगभग 13 वोल्ट के आसपास दे रहा है, 13.5 वोल्ट के आसपास। फ्रेंड्स इसका कारण ये है कि इसमें हमने कैपेसिटर लगाया, जो कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है और एक्स्ट्रा बूस्ट करके देता है। तो अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, जो हमने 25 वोल्ट का लगाया था, तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन हमने कैपेसिटर लगाया तो वो हमें 13 वोल्ट दे रहा है। लेकिन आप जब भी इस पर लोड डालोगे, जैसे मोटर चलाओगे या फिर एलईडी चलाओगे, तो वो 12 वोल्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, आपको 13 वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट ही है, लेकिन हमने कैपेसिटर लगाया उसके कारण वो इतना बता रहा है अभी। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ कि मोटर हमारी चल रही है फिर नहीं चल रही है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं मोटर को लगा देता हूँ इस टाइप से और चला के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारे मोटर भी रन कर रही है, ये 12 वोल्ट की मोटर फ्रेंड्स जो हमारे डीवीडी प्लेयर में से निकलती है वो वाली मोटर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सोचोगे कि यार हम इससे बड़ी मोटर भी चला सकते हैं क्या, तो फ्रेंड्स बड़ी वाली मोटर आप इसमें नहीं चला पाओगे क्योंकि इसका एम्पेयर काफ़ी कम है, लगभग यहाँ पर ये 1 एम्पेयर के आसपास देगी आपको, ठीक है। और फ्रेंड ये आपके स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी बनाते हो आप तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स इसी टाइप की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय एवरीबॉडी।